दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं जू से बाहर और अभी आगे बढ़ रहे हैं तो मैसूर रेल स्टेशन की ओर। यहाँ से ऑलमोस्ट 7 से 10 मिनट का रास्ता है, बहुत ही पास ही है जू और रेल स्टेशन। आई होप आप सब लोग भी हमारे साथ एंजॉय कर रहे होंगे, तो आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं मैसूर रेल म्यूजियम। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मैसूर रेल संग्रहालय। भारत का दूसरा सबसे पुराना रेल संग्रहालय है और यह भारत में रेलवे के इतिहास और विकास को प्रदर्शित करता है। हमने रेलवे से संबंधित विभिन्न मॉडल, तस्वीरें और कलाकृतियां देखी, जैसे लोकोमोटिव, कोच, सिग्नल, उपकरण, और हमें शाही सलून कार भी देखी जिसका उपयोग मैसूर के महाराजा द्वारा किया जाता था। और अभी आप ये जो देख रहे हो वो मैसूर के रेल संग्रहालय में, मतलब रेल में बनी हुई रेल की चर्खी है जिसका हम लोगों ने 1% 50 रुपीज चार्जिंग पे किया था। और ये रेल म्यूजियम का ओपनिंग टाइमिंग मॉर्निंग में 10 बजे से शाम को 5:30 तक का है। और ये जो ट्रेन जर्नी आप देख रहे हो वो लास्ट ट्रेन जर्नी शाम को 5 बजे चालू होती है और ये ट्रेन का सफर मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का रहता है। तो अभी हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं और आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए ट्रेन जर्नी। और कहीं पर मन चाहेगा ये भी एंड तक देख लीजिए क्योंकि और एक ट्रेन बचती है मुझे जो आपको दिखानी है। और यहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत सारा एंजॉय किया, खूब सारे फोटोज भी क्लिक करे और बहुत सारे लोगों से भी बातचीत की, रेलवे म्यूजियम के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकाली। और हम लोगों ने यहाँ से भी मैग्नेट्स, फिर क्लोथ्स वगैरह की शॉपिंग की। यहाँ पे सिर्फ एक ही शॉप अवेलेबल है शॉपिंग के लिए। एंड गाइस इसी वीडियो को एंड जरूर देखना क्योंकि मेरे पास इसके अलावा भी और एक प्लेस है जो मुझे आपको दिखानी है।
और ऑलमोस्ट हम लोगों ने यहाँ पे मैसूर रेल म्यूजियम में एक घंटा बिताया। और आप ये जो देख रहे हो पूरा जो आपको लाइन दिख रहा है वॉल जैसा, वो पूरा रेल म्यूजियम भी है मैसूर का। और अभी ये जो आगे अभी आपके क्वार्टर में दिखेगा तो ये है मैसूर रेल म्यूजियम का एंट्री पॉइंट। आपको यहाँ से अंदर टिकट लेके जाना है एंट्री करके। और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी डेस्टिनेशन की ओर। बट ऑब्वियस आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा, मैसूर पैलेस। यस, मैसूर पैलेस ये जो मैसूर सिटी का मुख्य आकर्षण है। और मैसूर पैलेस एक शानदार संरचना है जिसे वोडियार राजवंश द्वारा बनाया गया था। और यह भारत के सबसे बड़े और सबसे शानदार महलों में से एक। और इसके अलावा भी ये महल हिंदू इस्लामी और राजपूत शैलियों का मिश्रण माना जाता है। और यहाँ पर गुंबदों, मेहराबों, स्तंभ और मूर्तियों से ये महल को सजाया गया है। महल में एक संग्रहालय भी है जो शाही चित्रों, हथियारों, गहनों और वेशभूषा को भी प्रदर्शित करता है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं मैसूर पैलेस की ओर। तो दोस्तों फाइनली हम हमारी आखिरी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। और आपको ये सब तो येलो येलो लाइट दिखाई दे रही है ना, ये पूरा पैलेस है। और ये आपको जो कार खड़ी दिखाई दे रही है ये पूरा पार्किंग एरिया है यहाँ का पैलेस का। और यहाँ पे आपको एंट्री लेने वक्त एक पर्ची दी जाती है, उसपे टाइमिंग अपने कार का नंबर नोट किया जाता है। और जब आप वापस एग्जिट लेते हो तब वो पर्ची दिखा के आप पेमेंट करना रहता है पार्किंग का। और ऑलमोस्ट 2 आवर्स का 100 रुपीज पे किया था, मतलब और 50 रुपीज रहेंगे शायद से। और अभी हम लोग पार्किंग करके चलते हैं पैलेस की ओर।
पार्किंग से थोड़ा वॉक करके जाना पड़ता है। और अभी ये जो देख रहे हो ये महल का एंट्री पॉइंट है और यहाँ पे हम लोग ने कोई भी चार्जेस पे नहीं किए है एंट्री के लिए, बिकॉज ये जो है ये फर्स्ट डे था फ्लावर शो का और इसकी वजह से यहाँ पे ये दिन कोई भी चार्जेस पे किए नहीं जा रहे थे, फ्री में एंट्री थी पहले की। तो लकीली हम लोग उसी दिन वहाँ पे पहुंचे तो हम लोगों ने फ्लावर शो भी मैसूर पैलेस का एक्सप्लोर कर लिया और फ्लावर शो रचनात्मक और कलात्मक तरीके से व्यवस्थित विभिन्न शो पौधों और बोनसाई का एक शानदार प्रदर्शन है। ये शो हर साल हजारों दर्शकों को आकर्षित करता है और ये आंखों के लिए एक दावत है। हम फूलों की सुंदरता और खुशबू से मंत्रमुग्ध हो गए थे और हमने कई तस्वीरें और वीडियो की और सच में हम लोगों को ऐसा कुछ आइडिया नहीं था। और यहाँ पे गए तो हम लोग मेन तो लाइटिंग शो की वजह से ही गए थे, वो एवरी डे मतलब 7 से 8 किलोमीटर होता है और ये पूरा महल तकरीबन 1 लाख बल्ब से जगमगाता है जिससे एक चमकदार और जादुई प्रभाव पैदा होता है। ये महल एक परिकथा जैसा दिखता था और ये देखने लायक था। हम महल की भव्यता और महिमा से बहुत ही आश्चर्य प्रतीत थे और हमें ऐसा लगा जैसे हम लोग एक सपने में ही है। और इसके अलावा आप लोग वीडियो में देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक आई हुई है, यहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा रखी हुई है बिकॉज आज फ्लावर शो की ओपनिंग सेरेमनी थी। तो आज पूरा फंक्शन एंजॉय करने का हम लोगों ने आनंद उठाया और आप लोग भी देख सकते हो कितना बढ़िया पैलेस दिख रहा है। यहाँ से एलिफेंट आते हैं सब एक के बाद एक शो चालू थे क्योंकि आज ही फ्लावर शो जस्ट स्टार्ट हुआ था। आई होप आप लोग भी हमारे साथ ये फ्लावर शो भी फ्रेश हो गए एट नाइट व्यू एंजॉय कर रहे हो। Thank you.
तो दोस्तों ये पैलेस के सुंदर व्यू के साथ हम अपनी ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है आपने मेरा ये ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा और मेरी ये वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखने आप लोगों का सहे दिल से शुक्रिया। और अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप का बटन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, शेयर कीजिए और आपको मेरी नेक्स्ट जो चाहिए तो बाजू में एक बेल का बटन होगा वो भी प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। बाय।